हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइब मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। हम लोग एलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं भाई। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एलजेब्रा ही डिस्कस कर रहे हैं, और आज का सेशन जो होने वाला फिर से बेसिक सेशन होने वाला है। आज मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन ट्राई करवाऊंगा। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है गाइस। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस सेशन फॉर यू। बहुत ध्यान से सभी लोग, ठीक है, करेंगे इस सेशन को कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं पहले। क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ पी इज इक्वल टू 7 + 4√3 एंड पी क्यू इज इक्वल टू, हमको दे रखा 1, फाइंड 1 + p² + 1/q² इज वॉट। देखो, बहुत ध्यान से एक बात समझने वाली होती है। अगर मुझे पी की वैल्यू दे रखी है 7 + 4√3 और पी क्यू मुझे दे रखा है 1, तो कल मैंने आपको इनवर्स फंक्शन के बारे में कुछ बताया था, तो क्यू की वैल्यू याद रखना कितनी आ जाएगी, 7 - 4√3। कितनी आ जाएगी? 7 - 7 + 4√3। अच्छा, 7 प्लस है, सॉरी सॉरी, अगर ये 7 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 4√3। इसमें कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू जी मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया, जो बच्चे आज नए हमसे जुड़ रहे हैं तो वो लास्ट सेशन को जरूर देख लें। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है, अब ये किसके बराबर, मैंने बताया ये बराबर पी के बराबर होता है, तो क्यू की वैल्यू तो होती है 1/p और पी की वैल्यू होती है 1/q। तो आप लोगों को इतना पता है कि भाई अगर मुझे ये पूछ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये p² + 1/p² की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, ये p² + 1/p² की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। अब दूसरी बात, इस क्वेश्चन को देखते ही मार्क करने का क्या पैटर्न रह सकता है, तो मैं तुमको एक चीज बताता हूं। जब मैंने लिखा x + 1/x = a, तो x² + 1/x² क्या होता था, a² - 2, यानी कि किसी के स्क्वायर में से दो कम कर रहे हैं। यहां पे सब में दो ऐड करके चेक करके देखो, इसमें दो ऐड करो, इसमें दो ऐड करो, इसमें दो ऐड करो, इसमें दो ऐड करो, कहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? सी ऑप्शन में भाई, 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है, यानी कि मेरा आंसर कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, हमारा आंसर कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। अब जिन बच्चों को ये लगता है कि भाई ऐसे कैसे मार्क कर दिया इतनी जल्दी बिना कुछ तो समझे, ऐसे देखते कैसे मार्क हो जाएगा, तो उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। तो भाई देखो, एक बात बताओ, अगर मैं पी और क्यू को अगर ऐड कर दूं तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, इस पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 14। तो मैं कह सकता हूँ p + 1/p जो होगा वो आ जाएगा 14। तो मुझसे p² + 1/p² ही तो पूछ रहा है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 - 2, कितना आ जाएगा, 194। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू 2 + √3/2 - √3 और बी इज इक्वल टू दे रखा है 2 - √3/2 + √3, दोनों इनवर्स जो वैल्यूज है, ए इंटू बी वन आएगा। ये बात भाई देखो, देखते ही क्वेश्चन को दिमाग में आनी चाहिए कि ए इंटू बी इस केस में कितना आ जाएगा, 1। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं यहां पर, अगर ऐसे फंक्शन होते हैं, अगर इस तरह के फंक्शन होते हैं, p + q / p - q की फॉर्म में होता है, तो अगर मैं p + q में, ध्यान से इस बात को नोट कर लेना सब लोग, है ना, p - q / p + q अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, दूना p² / q² / p² - q² लगता है। देखो, इन सब चीजों को अगर आप याद रख लोगे ना, अगर आप याद रख लोगे तो आपके लिए मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा है, अगर आप याद रख लोगे तो आपके लिए ये ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और याद नहीं रख पाते हो तो अलग बात है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया, आपको ये याद रख लेना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। एक तो ये, सेकंड में क्या बताने वाला हूं, फर्स्ट तो मैंने ये बताया, सेकंड में आपको कुछ ये बताने वाला हूं कि अगर p + q / p - q मुझे दे रखा है और इसमें अगर माइनस करा रहा है p - q / p + q को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4pq / p² - q² मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 4p। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों को बहुत ध्यान से इत्मीनान से आप लोग देखेंगे और आप याद रखेंगे इसको, है ना, ये जो दो मैंने हाईलाइट कर दिए है ना, इन दोनों को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है सबको, है ना। तो अब एक बात बताओ मुझे,
ए और बी का जो रिलेशन है ए इज इक्वल टू वन अपॉन बी है, यानी कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहा है इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो दोनों को ऐड ही तो करना है मुझे, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, यानी कि ए और बी को मुझे पहले ऐड करना है, तभी तो मुझे ए प्लस बी यानी कि ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो ये चीज याद आनी चाहिए, तुरंत ही दिमाग में आनी चाहिए, दूना पी स्क्वायर क्या होगा, 4 + 3 डिवाइड बाई 4 - 3, यानी कि मुझे क्या मिलेगा 14। अरे हाँ के ना, 14 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये आ जाएगा 196 - 2, 194 + 1, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 195। आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 195। ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होने वाले होते हैं गाइस। इस क्वेश्चन की फिर से मैं आपको एक खासियत बताता हूं, ये जो भी वैल्यू है ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2 है और ये प्लस 1 हो रहा है वहां पे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1 हो रखा है इसमें। सब में प्लस 1 करके देखो, जहां पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हमारा आंसर होगा, और प्लस 1 करने पर परफेक्ट स्क्वायर कहां बनेगा, सिर्फ बी ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यही हमारा आंसर बनेगा। इस तरीका से ये जो लॉजिक डेवलप करने होते हैं अगर तुमको क्वेश्चन जल्दी से मार्क करना है तो, और इन दोनों को आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, इन दोनों को आप नोट करना है ना। बढ़ते हैं आगे, ए इज इक्वल टू 3 + √3 / √3 - √2, बी इज इक्वल टू √3 - √2 / √3 + √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है भाई, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब बात यह है कि यहां पर ऑप्शंस कुछ अलग तरीके के दे रखे हैं हमको, ऑप्शन अगर कुछ अलग तरीके के दिख जाते हैं तो फिर चेक करना चाहिए। मैंने क्या बताया, ऐसा पैटर्न बन रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस 2 का होगा, ये प्लस 1 हो रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1 करते ही किसी में ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, तो किसी में प्लस 1 कर दो तो परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे नहीं मुझे। मेरे पास ऑप्शंस कौन से बचते हैं भाई, एक ऑप्शन ये बचता है, एक ऑप्शन मेरे पास बचता है, ये दो ऑप्शंस मेरे पास बचते हैं, हाँ कि ना। इनमें लगा के देख लो, कैसे भी करके देख लो, आंसर आ जाना चाहिए। देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं फिर से आपको वही चीज दोहराऊंगा, यहाँ पे क्या करना है मुझे, ए प्लस बी निकालना है पहले, तो ए प्लस बी क्या होता है, दूना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे कितना मिलेगा 5 × 2 = 10, यहाँ क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर। अच्छा ये मिल 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर नहीं होगा, 10 स्क्वायर होगा, सॉरी 10 स्क्वायर - 2 + 1 मुझे मिल जाएगा, अल्टीमेटली मुझे मिलेगा 100 - 2 + 1, यानी कि 99 इसका आंसर आएगा यार, कितना आंसर आएगा इसका 99 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लिखी है, 99 इसका आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा इसका 99 आएगा। कैसे आएगा सॉल्व कर लेते हैं दोबारा, देखो ए प्लस बी जैसे ही आप लिखोगे आपको मिलेगा √3 + √2 डिवाइड बाई √3 - √2 + √3 - √2 डिवाइड बाई √3 + √2। मैंने क्या बताया था इस केस में, ये क्या बनेगा, दूना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना मिल जाएगा 2 × 5 = 10, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ए प्लस बी की वैल्यू अगर 10 है तो इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते भाई, बताओ जरा, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन को, बताओ ऐसे भी कर सकते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 100, 100 - 1, तो आंसर तो इसका 99 ही आएगा, कैसे भी सॉल्व कर लो आंसर कितना आएगा इसका 99 ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, √x + 1/√x = दे रखा है 3 और x² और 47। देखो एक चीज याद रखो, अगर x + 1/x की वैल्यू 3 होती है तो x⁴ + 1/x⁴ हमें क्या मिलेगा 47, करके देखो इस चीज को, है ना। ये जो है ना, ये जो रिएक्शंस होती है ये बहुत तेज होनी चाहिए हम लोगों की। तो ये क्या है, ये x + 1/x अगर 3 है तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा 3² - 2 यानी कि 7, और x⁴ + 1/x⁴ क्या हो जाएगा 7² - 2 यानी कि मुझे कितना मिल जाएगा गाइस 47। समझ गए इस बात को, ये जो रिएक्शन टाइम होता है ना हमारा वर्क करने का, जो रिएक्शन टाइम होता है हमारा, ये रिएक्शन टाइम थोड़ा तेज होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि √x + 1/√x = 3 दे रहा है, तो x + 1/x तो मुझे दिखाई देगा कितना 3² - 2 यानी कि 7, और इसका भी स्क्वायर करोगे x² + 1/x² जब करोगे तो 7² - 2 यानी कि 47 मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे क्या चाहिए x² - 47, 47 को इधर ले जाओ,
तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 47 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर दिख जाएगा, तो यहां पे पुट कर दो बस, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 1, कितना आ जाएगा यहां पे आंसर माइनस 1 आ जाएगा, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर कर दूंगा, कैंसिल कर दो, आंसर कितना मिल जाएगा मुझे माइनस 1। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां पे, इस जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये वैल्यू सीधी पुट कर दी मैंने, ठीक है। बढ़ते आगे, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्स माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्स माइनस 5 रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू मुझे दिया 0, तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, रूट एक्स से डिवाइड करूंगा पूरे को, कंप्लीट को किससे डिवाइड करने वाला हूं मैं इसको, रूट एक्स से मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं, जैसे मैं रूट एक्स से इसको डिवाइड करूंगा मुझे मिलेगा रूट एक्स माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे 0। मैं कह सकता हूं कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5। मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसी वैल्यू होती है भाई, ए स्क्वायर माइनस 2 वाली होती है कि नहीं होती है। देखो आंसर आ गया, आंसर तो यही है, इसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 प्लस करोगे तो 729 बनेगा और 729 स्क्वायर होता है 23 का, उसका 27 का, ठीक है, तो इसका आंसर तो डी है। देखो मैंने देखते ही मार्क कर दिया, आंसर तो उसका डी आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 की फॉर्म होती है ये, किसी में भी प्लस 2 करो वो स्क्वायर बनेगा, वही इसका आंसर होने के चांस सबसे ज्यादा होंगे, और कोई स्क्वायर मुझे दिख नहीं रहा जो प्लस 2 करने पर बनेगा, प्लस 2 करने पर स्क्वायर कौन सा बनेगा, सिर्फ 727, अगर 727 स्क्वायर बनेगा तो दैट इज माई आंसर, दैट्स इट, इतना ही सॉल्व करना चाहिए हमको। फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए इसको पूरा सॉल्व करता हूं, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 5, इसका स्क्वायर कर दो तो मुझे मिलेगा एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू यहां मिल जाएगा 25, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू मिलेगी मुझे मिलेगी 27, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे गाइस, 27 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 729 माइनस 2 मेरा आंसर कितना आ जाएगा 727। किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्या दे रहा है, 4p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है और पूछ रहा है हमसे ये वैल्यू, p स्क्वायर प्लस 16 अपॉन p स्क्वायर की मुझसे वैल्यू पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर सकते हो, 4p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझको 1/4। ऊपर नीचे चाहो तो इधर सीधा भी कर सकते हो, अभी तो कुछ करने को इसमें है ही नहीं, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 16p जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 हो जाएगी, 16p को उधर ले आना, 12p हो जाएगा, या फिर दोनों साइड p से भाग लगा दो यार, p से भाग लगा दो कि यहाँ पे आ जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस 4 प्लस 4 अपॉन p, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, p प्लस 4 अपॉन p की जो वैल्यू मिल जाएगी मुझे 16 माइनस 4 कितनी मिल जाएगी 12, इसका स्क्वायर ही तो पूछ रहा है मुझसे, इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा और ये हो जाएगा 144, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, देखो मुझे ये वैल्यू चाहिए, कट जाएगा 8 माइनस कर देना 144 में से, 144 माइनस 8 करोगे तो यहाँ पे 136 मिल जाएगा हमको, ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं गाइस, ठीक है, आंसर कितना आएगा इसका 136, कितना आंसर आएगा इसका 136, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ऊपर नीचे पी से डिवाइड करना था बस, ठीक है, पी से डिवाइड कर दोगे आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, पी ग्रेटर देन 0 भी दे रखा है, पॉजिटिव है इसका मतलब, ठीक है, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे पी से डिवाइड करना है, दैट्स इट, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर ऊपर नीचे पी से डिवाइड कर दोगे, है ना, ठीक है। पढ़ते आगे, क्या कह रहा है, 12x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 28 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 3.2, देन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझना बहुत ध्यान से सभी लोग इसको, है ना, देखो क्या मिलेगा मुझे, मुझे यहां मिल रहा है 12x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 28 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, इस तरीके से मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है,
देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, ऊपर भी x से डिवाइड कर देता हूं और नीचे भी मैं क्या करने वाला हूं, x से डिवाइड कर दूंगा। जैसे मैं ऊपर, और ये क्या 3.2 चल रहा है साथ में, ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं इसको। जैसे मैं x से इसको डिवाइड करूंगा, मुझे मिलेगा 12x माइनस 27 प्लस 28 अपॉन x डिवाइड बाई 4x माइनस 9 प्लस 9 अपॉन x, और इधर कितना मिल जाएगा 3.2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, क्या मिल जाएगा 12x माइनस 27 प्लस 28 अपॉन x इज इक्वल टू, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 4 2 8, 12.8x माइनस 9 से 27 और 9 दुनिया 18, 28.8 प्लस 28.8 अपॉन x मिल जाएगा। फर्दर सॉल्व करो इसको, इसको इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ और 20.2 इसको इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा देखो, 0.8x प्लस 0.8 अपॉन x इज इक्वल टू 1.8। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, 28 माइनस 0.8 है, इसको इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, 27 इसमें से माइनस करोगे 1.8 बचेगा, 12 को माइनस करोगे 12.8 में से तो 0.8x मिलेगा, 28 अपॉन x को 28.8 अपॉन x में से माइनस करोगे तो 0.8 अपॉन x मिलेगा। अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा ध्यान से देखो, x प्लस 1 अपॉन x की जो वैल्यू मिले मुझे मिलेगी, वो मिलेगी 1.8 पॉइंट हटा देंगे, मुझे मिल जाएगा 9/4। यहां तक सही समझ में आ रहा है सब लोगों के, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मिल गई मुझे 9/4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 81/16 माइनस 2, यानी कि मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकता हूं, 32/16 मुझे मिल जाएगा 49/16। हमको क्या कह रहा है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आपको निकालना है, तो 49/16 का क्या निकालना है अंडर रूट, मुझे क्या मिल जाएगा 7/4, 7/4 इज माई आंसर, 7/4 इज माई आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी चेक करना चाहता है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाहता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड बाई एक्स करिए, बहुत सारी चीजें हैं समझने वाली, इन चीजों को समझने की कोशिश करना सभी लोग, है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है, समझना है थोड़ा सा, ठीक है। बढ़ते आगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 2207, देन x प्लस 1 अपॉन x क्या आएगा। देखो इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं गाइस, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, आपको सिर्फ ये समझना होता है ये वैल्यू क्या कहना चाहती है हमसे, ये क्या है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्या दे रहा है हमको 2207, और पूछा मुझसे क्या है x प्लस 1 अपॉन x, इसमें या तो 2 प्लस करोगे या 2 माइनस करोगे, आपको एक स्क्वायर मिलेगा जरूर, ये ध्यान रखना, 2207 जो मुझे दिया हुआ है, या तो प्लस 2 करने से या माइनस 2 करने से स्क्वायर मिल जाना चाहिए, बस कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहीं से खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखो मुझे बताओ कि 2207 में 2 ऐड करो, 2209 कोई किसी का होता है क्या, 2209 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बताओ जरा, 2209 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है, अगर होता भी है तो किसका होता है, ये तो बड़ी बिगड़ समस्या आ गई भाई। तो देखो कुछ नहीं है, बाद में अगर 9 आ रहा है तो 3 या 7 आएगी यूनिट डिजिट, ठीक है, और 22 यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है, 22 के आसपास का स्क्वायर कितना होता है 43 या 47, इसमें से किसी का स्क्वायर बनेगा, जहां तक उम्मीद है 47 का ही बनना चाहिए, 47 50 से कितना कम होता है, 3 कम होता है, 25 में से 3 गए तो कितने होते हैं 22, तो ये 47 का स्क्वायर है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं ध्यान से देखो, ये मुझे मिलेगा, देखो को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हो ना, और इसको क्या लिख सकते हो, 47 का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हो, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, समझ गए बात को, नहीं समझे अब, ठीक है। यानी कि देखो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी 47 का स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मुझे क्या मिल जाएगा 47, और x प्लस 1 अपॉन x कितना मिलना चाहिए फिर तुम खुद ही बता दो मुझे, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए 7, हैं, समझ गए अब, नहीं समझे, समझ गए ना क्या लिखने वाला हूं उसको मैं, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 2 किसका स्क्वायर हो जाएगा ये 7 स्क्वायर, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, देखो देखते ही क्लिक हो जाते हैं क्वेश्चन यार, ठीक है, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x हमें क्या दिख जाएगा 7, मुझे देखते ही इसका आंसर पता था कि आंसर इसका 7 आने वाला है,
देखते ही इसको 2207 को मुझे पता था कि इसका आंसर 7 ही आएगा, इसके अलावा कोई इसका आंसर हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज फिर मेरी बात याद करो आप लोग, क्या 7 में 2 ऐड कर दो 9 मिल जाएगा है, लेकिन ऐसा मत करना यहाँ पे, वो बात नहीं है, देखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है भाई, आ रही है समझ में सब लोगों को बात, बढ़ते हैं आगे। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है गाइस, है ना, इसको समझ लो ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 194 x की पावर 5 और माइनस 194 x की पावर 3 इक्वल टू व्हाट। देखो एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली क्या है, इसका सॉल्यूशन देखो। देखो ये कुछ बता रहा है आपको, ये आपसे कह रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 0 है तो मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं क्या लिखने वाला हूं, x से डिवाइड करने वाला हूं दोनों साइड को, है ना, मैं x से इसको दोनों साइड को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 अपॉन x क्या मिल जाएगा गाइस, 4 मिल जाएगा। यहां तक बात सबको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 होता है ना, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 होता है 194। ये मैंने कहा ना रिएक्शन टाइम थोड़ा सा इन चीजों का तेज होना चाहिए हमारा। x प्लस 1 अपॉन x अगर 4 है तो x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 194 होता है, ये तुरंत क्लिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इस केस में कितना होगा, 4 चौके 16 माइनस 14 होगा, और इसका भी अगर आप करोगे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 देखोगे तो इसका 196 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा। तो मुझे ये पता है कि ये वैल्यू की किसके बराबर है, 194 के बराबर है। तो देखो कैसे लिखना है इसको, ये दे रखा है x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 194 x की पावर 5 माइनस 194 x क्यूब। तो देखो एक बात याद रखना, 7 में और 3 में 4 का फर्क होता है, 5 में और 9 में 4 का फर्क होता है, तो मैं क्या करने वाला हूं, x की पावर 9 माइनस 194 x की पावर 5 तो एक जगह लिख लेंगे हम, और x की पावर 7 माइनस 194 x क्यूब एक तरफ लिख लेंगे। यहां से x की पावर 5 अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा x की पावर 4 माइनस 194, अगर यहां से x क्यूब कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा x की पावर 4 माइनस 194। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखो ध्यान से, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्या है हमारा, 194 क्या है, 194 रख दू यहाँ 194 की वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा, x की पावर 5 इंटू x की पावर 4 प्लस माइनस x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस x क्यूब इंटू x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, सॉरी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा अल्टीमेटली मुझे ध्यान से देखो, माइनस x माइनस 1 अपॉन x, माइनस कॉमन ले लेना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मिल जाएगा, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर 4 है तो माइनस आगे बाहर रख दो, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 4, कितना आंसर मिल जाएगा हमको, माइनस 4। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें क्लियर हो चुकी है माइंड में। ये 2017 मेंस का है वो क्वेश्चन भी है, जिन लोगों ने मेंस दिया होगा उनको पता होगा 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आया था। तो भाई यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, अब इससे आगे की कहानी ये है कि भाई ये सेशन में यहीं पे एंड कर रहा हूँ आज। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कुछ और चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए इस सेशन को थोड़ा छोटा रखा है मैंने, तो नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा और ज्यादा चीजें हम डिस्कस करेंगे। और वही चीज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो ट्राइम्फ मंत्रा ऑन यूट्यूब, फेसबुक पे भी हम आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी हम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जिस तरह का कंटेंट आपको चाहिए आप बताइए, ज्यादातर तो आप पढ़ाई के मूड में मुझे लग नहीं रहे हो सब लोग, पर फिर भी अगर अच्छा लगता है तो बताना भाई सब लोग, है ना। चलो भाई ठीक है, थैंक यू।